अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक लेस डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये एंकर का कॉटन थ्रेड लिया है और धागे में मैंने कुछ मोतियाँ डाल दी है। आप अपने हिसाब से बीड्स की साइज़ बड़ी छोटी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिंक के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन लिया है और नीडल मैंने ली है 7 नंबर 0.95 mm की। ये थ्रेड आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स पर मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट है, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। परचेस लिंक आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और नीडल भी उनके पास अवेलेबल है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें। उनका व्हाट्सएप नंबर और सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस कर दें और बेल नोटिफिकेशन आएगी वहाँ पर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम ऐसे फिंगर पर धागा फोल्ड करके नीडल की निब अपनी तरफ रखेंगे और ऐसे राउंड लेकर स्लिप नट लेंगे। स्लिप नट लेने के बाद आपने जितनी लेस की लेंथ बनानी है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, आपने पहले चैन लेनी होगी उसके हिसाब से। सिंपली आपने चैन लेते जाना है। जितनी आप लेंथ बनाना चाहते हैं लेस की, उतनी पहले आप चैन ले लो। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी इतनी लेंथ बनाई है क्योंकि मैं ये सैम्पल डिज़ाइन बना रही हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। तो आप जितनी मीटर बनाना चाहते हैं पहले आप इतनी लेस बना ले, चैन बना ले, उसके बाद में आपने नीडल पर धागा फोल्ड करके यहाँ से आपने 4 गैप छोड़ने हैं और 5th गैप में आपने लेना है 1 टाइम डबल क्रोचेट। 4th गैप छोड़कर 5th गैप में लेंगे हम 1 टाइम डबल क्रोचेट, फिर नेक्स्ट गैप 1 टाइम डबल क्रोचेट। फिर नेक्स्ट गैप 1 टाइम डबल क्रोचेट। नेक्स्ट गैप 1 टाइम डबल क्रोचेट। और ऐसे ही हम ये भी पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। हर एक गैप में एक बार हमें डबल क्रोशेट लेते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ये लाइन कंप्लीट होने के बाद आपने टर्न लेना है 1 चैन लेकर। वन चैन लेकर टर्न लेंगे और फर्स्ट डबल क्रोशेट के गैप में सिंगल क्रोशेट लेंगे। सिंगल क्रोशेट लेने के बाद हम 3 मोती यहाँ पर पास करेंगे। तीन मोती पास करने के बाद हमें ऐसे नीडल के नीचे मोती रखना है। अब यहाँ पर हम ये धागा फोल्ड करेंगे नीडल पर और ये खींचते हुए हम इसमें से बाहर आ जाएंगे। अब टर्न ले लेंगे। अब जो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशेट लिया था उसके 2 धागों में पहले हम अटैच करेंगे। ये देखें, इस तरीके से सिंगल क्रोचेट के 2 धागों में हम नीडल डालेंगे और धागा लेते हुए 3 धागों में से बाहर आ जाएंगे, इस तरीके से। अब उसके बाजू वाले गैप में हम 1 टाइम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट गैप में 1 टाइम सिंगल क्रोचेट लेंगे। और फिर 3 मोती पास करेंगे। ऐसे पकड़ लेना है, नीडल पर धागा फोल्ड करके इस धागे में से बाहर आ जाना है। इन मोतियों को पीछे कर देना है और जो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशेट लिया है उसके 2 धागों में हम नीडल डालेंगे। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके इन सब धागों में से हम बाहर आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट गैप में 1 टाइम सिंगल क्रोशेट ले लेंगे। और फ्रंट से आप इसका लुक देखो कितना प्यारा लग रहा है, और इसकी लेंथ बनेगी तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। बस आपने ऐसे ही कंटिन्यू फॉलो करना है। 1 टाइम सिंगल क्रोशेट लेने के बाद नेक्स्ट गैप में फिर से हम 1 टाइम सिंगल क्रोशेट ले लेंगे, फिर 3 मोती पास करेंगे,
यहाँ पर टाइट पकड़ लेंगे। नीडल पर धागा फोल्ड करके इस धागे में से बाहर आ जाएंगे। मोतियों को पीछे की तरफ कर देंगे और यहाँ पर जो ये दो धागे हैं सिंगल क्रोचेट के, उसमें नीडल डालकर नीडल पर धागा फोल्ड करके तीनों धागों में से हम बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से फिर नेक्स्ट गैप में वन टाइम सिंगल क्रोचेट लेंगे। और फिर तीन मोती पास करेंगे। फिर यहाँ पर पहले हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे मोतियों को आगे की तरफ कर कर। यहाँ पर जो अटैच के दो धागे हैं इसमें हम नीडल डाल देंगे। नीडल पर धागा फोल्ड करके इन तीनों धागों में से हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट गैप में हम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे। फिर नेक्स्ट गैप में वन टाइम सिंगल क्रोचेट लेंगे और बस ऐसे ही आपने कंटिन्यू इसे फॉलो करना है। एक लास्ट टाइम मैं बता देती हूँ आप लोगों को, फिर आपने बस ऐसे ही कंटिन्यू फॉलो करना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दें, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट गैप में हम फिर से वन टाइम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे। और आप लोगों के टच में जो भी क्रोचेट लवर्स हैं उन लोगों के साथ आप लोग ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सब बिल्कुल फ्री है इस तरह के डेली अपडेट्स के लिए। और आप लोगों को कोई डिज़ाइन सीखनी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखें, और ये इसका लुक है फाइनल, कितना प्यारा लग रहा है। बस ऐसे ही आपने कंटिन्यू इसे फॉलो करना है। ये बनने के बाद बहुत प्यारी लगती है, और इसे आप ड्रेस के दामन पर लगा सकते हैं, दुपट्टे की बॉर्डर पर लगा सकते हैं, बेबी शॉल पर लगा सकते हैं। बहुत प्यारी लगती है ये। बस ऐसे ही आपने कंटिन्यू इसे फॉलो करना है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर इसकी इतनी लेंथ बनाई है और इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। सो आपने कंटिन्यू इसे ऐसे ही फॉलो करना है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक बात मुझे ये भी आप लोगों को बतानी है कि मेरे बेटे ने न्यू चैनल स्टार्ट किया है, अलीज़ गुड लाइफ। सो अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, वहाँ पर भी गिव अवे आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बाय गाइज़।